नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूज़नेट सेल्फ स्टडी में। आज हम नेशनल इमरजेंसी के बारे में जो बात कर रहे थे उसमें अब तीसरा जो लास्ट प्रोविज़न है, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो क्या होता है, उसमें हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स। देखिए, फंडामेंटल राइट्स एक ऐसी पावर है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, एक संविधान ने एक सिटीज़न को दी है, जिसके अनुसार वो फ्रीडम को अचीव कर सकता है और एक सर उठा के इस देश में रह सकता है। लेकिन क्या जब नेशनल इमरजेंसी होती है तो क्या ज़रूरी है कि सारे राइट्स होने चाहिए हमारे पास में? गैदरिंग हो गया, रिलीजियस राइट्स, कल्चरल राइट्स, देखिए इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। जब देश की संप्रभुता ही खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन ही खतरे में है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को हम पूरी तरह दे भी दें तो भी क्या फ़ायदा, और उससे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रही है वो अलग है। तो हम दो आर्टिकल्स जो हैं ये डिफ़ाइन करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स कैसे मिलती हैं। आर्टिकल 358, आर्टिकल 359 डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 358 डील्स विद सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 की जो सिक्स फ्रीडम्स हमें गारंटीड की गई हैं उससे डील करता है 358। 359 डील करता है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सारे फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन एक्सेप्ट दोज गारंटीड बाय 20 और 21। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 358 ध्यान रखिए 19 से डील कर रहा है, 359 20 और 21 से डील कर रहा है, ये प्रोविजन उसमें दिया है। अब पहला केस, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19। पहला केस, फंडामेंटल राइट जब आर्टिकल 19 के अनुसार ख़त्म कर दी गई। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358, व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मेड, द सिक्स फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। ये 358 बोल रहा है कि जैसे ही प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी है, ये 19 वाले जो सिक्स फ्रीडम्स हैं ये तो गए। इसके लिए कोई सेपरेट ऑर्डर नहीं आएगा राष्ट्रपति का कि आपकी राइट्स वापस ली जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कभी आप रिट पटिशन लेके पहुंच जाएंगे, ऑर्डर तो आया नहीं। नेशनल इमरजेंसी लगी तो आपके आर्टिकल 19 वाले फंडामेंटल राइट्स गए। वाइल द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, द स्टेट इज फ्रीड फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय आर्टिकल 19। मतलब आर्टिकल 19 के कारण जो गैदरिंग करवाने में रोक नहीं सकता, इस तरह के जो फ्रीडम राइट्स थे आम नागरिक के, उसमें स्टेट ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था। रिट पटिशन ले जाते थे लोग, अब लेकिन वो फ्री हो गया। इन अदर वर्ड्स, द स्टेट कैन मेक एनी लॉ और कैन टेक एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन अब्रिजिंग और टेकिंग अवे सिक्स फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 19। ठीक है, अब उसको पूरा हक है कि आपकी राइट्स को खा जाए वो। Any such law or executive action cannot be challenged on the ground that they are inconsistent with six fundamental rights guaranteed by Article 19. तो ये ऐसा कोई law या executive action को कोई challenge नहीं कर सकता भाई साहब। When the national emergency ceases to operate, Article 19 automatically revives, comes into force. Any law made during emergency to the extent of inconsistency with Article 19 ceases to have effect. However, no remedy lies for anything done during emergency, even after emergency expires. ठीक है, जैसे ही इमरजेंसी एक्सपायर होती है आर्टिकल 19 के सारे राइट मिल जाते हैं। लेकिन कोई भी सोच लीजिए, इमरजेंसी के दौरान कोई ऐसा हनन हुआ है आर्टिकल 19 के राइट्स का, इस टाइप का कोई केस नहीं लड़ सकते उसमें हम, कोई भी इश्यू नहीं कर सकते हम उस चीज़ को। जो हो गया वो हो गया बस। दिस मीन्स दैट द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस टेकन ड्यूरिंग इमरजेंसी कैन नॉट बी चैलेंज इवन आफ्टर एमरजेंसी सीजेज टू ऑपरेट। एमरजेंसी भले ही सीज हो गई हो, लेकिन हम ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शन जो लिए गए हैं उसको चैलेंज नहीं कर सकते। द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 रिस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 358 इन टू वेज। 78 वाला जो आर्टिकल था उसने, 78 वाला जो अमेंडमेंट था 44th अमेंडमेंट, उसने 358 के आर्टिकल में दो चेंजेस लाए। पहला कि सिक्स फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 के द्वारा जो मिल रही हैं वो केवल नेशनल इमरजेंसी में तब सस्पेंड होंगी व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। बाहरी युद्ध या बाहर से खतरा है तभी सस्पेंड होंगी, आर्म रिवेलियन है भारत में अंदर उसमें सस्पेंड नहीं होंगी। ये इन्होंने ऐसा किया क्योंकि वही इंटरनल डिस्टर्बेंस में जो होता था वो पता चला, गवर्नमेंट आर्म रिवेलियन का यूज़ करने लगी उसी में, इसलिए इन्होंने बोल क्लियर कट बोला कि आर्म रिवेलियन के ग्राउंड पे आप ऐसे हनन रोक नहीं सकते हैं। सेकेंडली, ओनली दोज लॉज विच आर रिलेटेड विद एमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड एंड नॉट द अदर लॉज। देखिए, इमरजेंसी से रिलेटेड कोई कानून बना
वो तो चैलेंज नहीं हो सकता, लेकिन इमरजेंसी के दौरान कोई जैसे कानून बन गए जो इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं थे, अदर जनरल मैटर से थे, ठीक है, तो उस पर चैलेंज नहीं कह सकता उसको, उसको मतलब चैलेंज किया जा सकता है जो इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं लॉज बने हैं। ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन ओनली अंडर अ सच लॉ इज प्रोटेक्टेड, जो ऐसे एग्जीक्यूटिव एक्शन हो रहे हैं जो इमरजेंसी लॉज के लिए ही काम कर रहे हैं, उसका जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो प्रोटेक्टेड है। अब दूसरा केस है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 359 के केस में क्या होता है कि प्रेसिडेंट ऑथराइज किया जा चुका है टू सस्पेंड राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में राइट टू मूव टू कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गया जी, आप कहीं नहीं जाके रिट लगवा सकते। दिस मीन्स दैट अंडर आर्टिकल 359 द फंडामेंटल राइट्स एज सच आर नॉट सस्पेंडेड बट ओनली देयर इन्फोर्समेंट, मतलब राइट्स हैं लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा एक्शन लिया कि आपको लगा कि गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट का हनन किया, अल्ट्रा वायर एक्शन लिया, उसका कोई रिपोर्टिंग नहीं है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। द सेड राइट्स आर थ्योरेटिकली अलाइव बट द राइट टू सीक रेमेडी इज सस्पेंडेड, मतलब रेमेडी सस्पेंड कर दिया कि गवर्नमेंट ने मतलब डिटेन कर लिया हमें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टू हैव अ बॉडी ऑफ वाला राइट लेके आप पहुंच जाओगे और गवर्नमेंट उस पर काम करेगी, जी नहीं, ठीक है। फंडामेंटल राइट आपके पास है लेकिन उनका अगर हनन हो रहा है तो वो अथॉरिटी कोर्ट के पास नहीं है रिट लगाने की, उसमें आपको वो बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, सेट राइट्स आर थ्योरेटिकली अलाइव बट द राइट टू सीक रेमेडी सस्पेंडेड, बिल्कुल। द सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट रिलेट ओनली दोज फंडामेंटल राइट्स दैट आर स्पेसिफाइड इन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, तो ठीक है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जितने डिफाइन किए गए हैं उतने ही राइट पर इन्फोर्समेंट लगाया जाएगा। फर्दर द सस्पेंशन कुड बी फॉर द पीरियड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इमरजेंसी फॉर अ शॉर्टर पीरियड एज मैंशनड इन द ऑर्डर, द सस्पेंशन ऑर्डर में एक्सटेंड टू द होल और एनी पार्ट ऑफ कंट्री, भाई ये एक पार्ट भी हो सकता है, पूरे इंडिया के पे भी हो सकता है, ठीक है। इट शुड बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर अप्रूवल, ये भी इम्पोर्टेंट है जी, दोनों हाउसेस के सामने इसको रखना है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को। व्हाइल द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इज इन फोर्स द स्टेट कैन मेक एनी लॉ और कैन टेक एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन एब्रिजिंग और टेकिंग अवे स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स। देखिए दोनों हाउस से तो अप्रूवल हो गया पर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अभी फोर्स में है। द स्टेट कैन मेक एनी लॉ, स्टेट फिर भी कोई भी लॉ बना सकता है और कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकता है, ठीक है, किस पर, स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स के रोक पर। एनी लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट दे आर इनकंसिस्टेंट विद स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स, ये एक और प्रोटेक्शन है कि स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट इनकंसिस्टेंट डिसीजन है उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। व्हेन ऑर्डर सीजेस टू ऑपरेट एनी लॉ सो मेड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी विद द स्पेसिफाइड, ठीक है, जब जो ऑर्डर है वो सीजेस टू ऑपरेट हो जाता है, कौन सा, जो सस्पेंशन का है, ठीक है, तो उसके बाद में ये जो ग्राउंड था कि हमारा इनकंसिस्टेंसी हो रहा है फंडामेंटल राइट्स वाला, ये भी फोर्स में आ जाता है, अब आप उसको अप्रोच कर पाएंगे कोर्ट को। फंडामेंटल राइट सीजेस टू हैव इफेक्ट बट नो रेमेडी लाइज एनीथिंग, जो भी मतलब इमरजेंसी काल में हुआ उसकी कोई रेमेडी नहीं, ठीक है, जो ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अनुसार कोई भी काम हो रहा है वो नहीं हो सकता है, उसका मतलब कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, वो आपकी फंडामेंटल राइट्स आप वहाँ नहीं क्लेम कर सकते। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 रिस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 359 इन टू वेज, तो इसने कैसे रिस्ट्रिक्ट किया 359 को, फर्स्टली द प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड द राइट टू मूव टू कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। इन्होंने बोला कि भाई नहीं, हमें मूवमेंट की आज़ादी होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स की आज़ादी होनी चाहिए, इन्फोर्समेंट आर्टिकल 20 और 21 को आप इनेक्ट कीजिए, इन अदर वर्ड्स द राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफेंसेस 20 एंड द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी रिमेन्स इन्फोर्सिबल इवन ड्यूरिंग एमरजेंसी। देखिए ये 20 और 21 नंबर जो आपको राइट्स हैं ये पक्का इमरजेंसी में आपको मिलते हैं,
सेकेंडली दोज लॉज विच आर रिलेटेड विद एमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम चैलेंज एंड नो अदर लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन ओनली अंडर सच लॉ इज प्रोटेक्टेड। इसमें वही एमरजेंसी को प्रोटेक्शन के लिए आपने कोई लॉ बनाया वो चैलेंज नहीं हो सकता, बाकी सब जो लॉ है वो चैलेंज होंगे। तो ये थे आर्टिकल 358-359 जो फंडामेंटल राइट्स पे इफेक्ट क्या होगा उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। अगले वीडियो में हम देखेंगे 358-359 का कंपैरिजन करेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए धन्यवाद आप ये वीडियो देखने के लिए और इसको सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आपका दिन शुभ हो और आप कोरोना से लड़ते रहिए। सही, धन्यवाद।